जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में अब आप वीडियो और रील्स बनाने पर लग रही है पाबंदी, तो क्या है ये पूरा मामला। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में या उसके सामने वीडियो बनाते हुए नजर आ गए तो आपको देना पड़ेगा भारी जुर्माना। इंडियन रेलवे का ये बड़ा फैसला आया है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जानकारी आपको होना, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये जानकारी होना आपको बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर बात करें 7 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से लखनऊ भाया अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन का कमर्शियल रन 9 जुलाई से शुरू हुआ था। ट्रेन के शुभारंभ पर गोरखपुर से लखनऊ के बीच ट्रेन में यूट्यूबर्स और रील्स बनाने वाले की भीड़ हो गई, जिन्होंने ट्रेन सवार अन्य लोगों को बैठना मुहाल कर दिया। वीडियो बनाने वालों का इस ट्रेन के साथ मोह अभी कम नहीं हुआ है। ट्रेन सुबह गोरखपुर से चलकर 10 बजे के आसपास चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जिसके बाद ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है। यहां करीब 9 घंटे ट्रेन खड़ी रहती है। इसके बाद ट्रेन शाम 7 बजे के करीब लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना होती है। दिन में ट्रेन की सुरक्षा के लिए आरपीएफ जवान की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन चारबाग में खड़ी ट्रेन की सुरक्षा आसान नहीं। यूट्यूबर्स रील बनाने वाले ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, तमाम खूबियां खामियां गिनाते हुए वीडियोज बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। सूत्र बताते हैं कि जब सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते हैं तो उनका वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देते हैं। ऐसे में चारबाग रेलवे प्रशासन ने ऐसे लोगों को रोकने के लिए चालान करना शुरू कर दिया है। बगैर प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर आने के अपराध में उसे जुर्माना वसूला जा रहा है। अब तक 15 लोगों से 500 रुपए वसूले जा चुके हैं। वहीं उत्तर रेलवे प्रशासन ने रील्स बनाने वालों से सहयोग की भी अपील की है। इसमें दोस्तों जाहिर सी बात ये है कि आपको अनलीगल, मतलब कि आप वंदे भारत का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बेवजह किसी को या रेलवे कर्मचारी को अननेसेसरी एक्सपोज करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो भी वीडियो बनाना है आपको सही तरीके से और ज्यादा क्राउड कहीं पर भी नहीं करना है। जो भी इंडियन रेलवे नियम बना रही है उसको प्लीज आप लोग फॉलो करें। जो भी इंडियन रेलवे के स्टाफ हैं उनकी बातों को फॉलो करें। अननेसेसरी किसी भी इंडियन रेलवे के स्टाफ को परेशान करना हमारा काम नहीं है। बस हम लोग अगर इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं, जिस पर्पस के लिए आप गए हुए हैं, प्लीज आप लोग उसी पर ध्यान दें। अननेसेसरी किसी भी रेल कर्मचारी को एक्सपोज करना हमारा काम नहीं है। प्लीज आप लोग कहीं भी स्टेशन पर जाकर वीडियो बनाने के लिए कहीं भी गैदरिंग न करें, इंडियन रेलवे को सपोर्ट करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।